पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में हमने डायमेंशन पढ़ी थी। डायमेंशंस किसे कहते हैं, विमाएं किसे कहते हैं, और कुछ एग्जांपल्स। आज हम थोड़े और एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिसमें एम, एल और टी के अलावा और भी चीजें आती हैं। जैसे हम कुछ नए फॉर्मूले लें, आवेश चार्ज, विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको Q से डिनोट करते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला ये लगाएंगे, I इक्वल टू Q अपॉन T, करंट इक्वल टू होता है चार्ज बटे टाइम, आवेश बटे समय। तो Q इक्वल टू ले लेंगे I इंटू T। मैंने बताया था पिछली क्लास में कि करंट मूल भौतिक राशि है और समय मूल भौतिक राशि है, तो मैंने आवेश को मूल भौतिक राशियों के पदों में बदल दिया। तो सबसे पहला काम है हमारा इसको मूल भौतिक राशियों में बदलना। तो मूल भौतिक राशि में बदलोगे सबसे पहले इसे आप, तो आवेश की विमा निकालने के लिए करंट का फॉर्मूला ले लेंगे, Q इक्वल टू आई अपॉन टी, तो Q इक्वल टू आई टी। तो Q की विमा क्या आएगी, Q की विमा इक्वल टू करंट की विमा A और टाइम की विमा T, या पहले T को ले लो T इंटू A, एक साथ ही लिखो एक बार में, क्योंकि हम सीक्वेंस ये ले रहे हैं और विस्थापन में एक एल और आएगा तो एल की घात बढ़ा दो,
इंटू ए, तो बी की लिमिट हो जाएगी एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस थ्री, ये ऊपर जाएगा माइनस होगा तो इसमें ऐड हो जाएगी पावर एंड ए इनवर्स, ये ऊपर जाकर माइनस होगा, तो ये हो गया विभव की विमान। इसके बाद में लें विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये आप सब लोग जानते हो, टेंथ में भी पढ़ के आए हैं। इसका फॉर्मूला है R इक्वल टू वी अपॉन आई, ओम्स लॉ से, ओम का जो नियम है उसके अनुसार एक फॉर्मूला है, तो R की विमान निकालनी है। अब मान लो आप लोग डायरेक्ट इसको स्टार्ट करते हो, अभी तो मैं बी की विमा ये रख दूंगा, तो फिर आपको बी इक्वल टू डब्ल्यू बटे क्यू रखना पड़ता है इसमें, क्योंकि यहां ये रखा हुआ तो होगा नहीं सब, तो फिलहाल तो मैं इसकी विमा रख देता हूं बी की, यहां से एम एल स्क्वायर पी माइनस थ्री ए इनवर्स। अगर ये लिखा हुआ नहीं होता, केवल ये पूछा होता तो बी निकालना पड़ता, को पहले निकालते फिर इसे यूज करते। अपॉन आई, आई तो मूल भौतिक राशि है तो इसकी तो डायमेंशन डायरेक्ट हो जाएगी, तो एम एल स्क्वायर पी माइनस थ्री ए माइनस टू, तो ये भी ऊपर जाकर माइनस होकर, तो माइनस वन पहले से माइनस वन ये हो जाएगा, तो एड होकर माइनस टू ये हो गई। तो इस तरह से काफी भौतिक राशियां हैं ट्वेल्थ में या इलेवेंथ में, जिनकी आपको नए नए फॉर्मूले विमाएं सब चीज पढ़ने को मिलेगी। अब मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेता हूं जिनमें केल्विन वगैरह आता है, जैसे विशिष्ट ऊष्मा धारिता, ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे तो 11th में ये आपने विशिष्ट ऊष्मा धारिता को एस से डिनोट करता है, स्मॉल एस से डिनोट करता है विशिष्ट ऊष्मा धारिता। अब एक फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, कई बार यहाँ डेल्टा टी लिखा है, तो ये जो फॉर्मूला है इसको अगर याद रखते हो तो एस इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। अब मैं एक बार आपको बता देता हूं यह किसका क्या मतलब है, डेल्टा क्यू, क्यू का मतलब है ऊष्मा, ऊष्मा जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म होती है, ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है, इसलिए जो ऊर्जा का बिना मात्रक होता है वही ऊष्मा के होते हैं। एम का मतलब है यहां द्रव्यमान, डेल्टा तो इसलिए है ऊष्मा में परिवर्तन है, तो डेल्टा टी का मतलब है तापांतर, ताप में परिवर्तन, तो जो ताप की विमा होगी वही तापांतर की होगी। तो या तो ऐसे ध्यान रखना ही, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे हम ऊष्मा बटे द्रव्यमान गुणा नीचे तापांतर। मैं डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला लिखा तो इस रूप में याद रख लेते, तो इस फॉर्मेट में ज्यादातर याद रखने की सुविधा रहती है, इससे चेंज करके बना लो इन दोनों को नीचे ले लिया। तो एस की विमा क्या होगी, एस की विमा हो जाएगी ऊष्मा की विमा कार्य के समान होती है एम एल टू टी माइनस टू, ये कार्य की विमा है जो हमने यहां भी यूज की है। द्रव्यमान मूल भौतिक राशि है इसकी विमा डायरेक्ट एम रख देंगे, और तापांतर है ये केल्विन होते हैं इसकी विमा तो डायरेक्ट भी रख देंगे। अब यहाँ एम की घात एक, एम की घात एक, तो एम को पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, या तो एम को लिखेंगे ही और लिखेंगे तो घात जीरो, एल की घात दो टी की घात माइनस दो, एक ये बच गया तो ये के इनवर्स हो गया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू के इनवर्स एम नहीं लिखेंगे।
तो ये एक ऐसा एग्जांपल हो गया जिसमें के एक और भौतिक राशि मोलर विशेष ऊष्मा धारक मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारक इसको सी से भी नाम करते हैं। इसका क्या मतलब है, इसके टाइप्स भी होते हैं, उनसे आपको फिलहाल कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अभी वो चीज समझ में नहीं आएगी, अभी अपना वो टॉपिक नहीं है। मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी। अब आप सोच रहे होंगे म्यू का क्या चीज है, इस सिंबल को म्यू बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन म्यू है, लेकिन ये किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है मोल नंबर, मोल संख्या। ये भी एक मूल भौतिक राशि है। पिछले वाले में यह द्रव्यमान था, या द्रव्यमान की जगह मोल संख्या है, तो सी की विमा बनानी है हमें, तो सभी की विमा रखकर सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर ऊष्मा है, ऊष्मा की जगह है एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये भी मोल है, मोल तो खुद मोल मूल भौतिक राशि है, जिसकी विमा होती है एम ओ एम, और ये केल्विन के, तो कंप्लीट ये हो जाएगा एम, इस बार एम से कैंसिल नहीं होगा, नीचे एम नहीं है, इसलिए एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू, तो ये तीनों तो ऐसे आएंगे, फिर है के इनवर्स और मोल इनवर्स। तो ये कैसा एग्जांपल है जिसमें कुछ कई बार हम इस तरह से भी निकालते हैं, जैसे आपको मान लो कहा जाए सात्विक गुरुत्वीय स्थिरांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, हमें इसकी बीमा चाहिए सात्विक गुरुत्वीय नियतांक, स्थिरांक नियतांक कुछ भी कर, ये जो है ये इस फॉर्मूले में आता है गुरुत्वाकर्षण बल m1 m2 upon r square। जैसे मान लो ये दो ऑब्जेक्ट है, इसकी वैल्यू m1 है, इसकी m2 है, द्रव्यमान है दोनों के और बीच की डिस्टेंस r है, तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, उसका फॉर्मूला है। तो इसमें ये एज ए कॉन्स्टेंट आया, तो इसकी विमा निकालने के लिए बाकी की विमा रखेंगे और सबको समेट देंगे एक साइड ले जाकर, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे z इक्वल टू f, r को इधर ले जाएंगे r स्क्वायर और इन दोनों को नीचे ले लेंगे m1 m2, तो z की विमा क्या होगी, f की विमा, f की विमा m माइनस टू, बल है तो बल की विमा ये हो जाएगी। दूसरा है आर, डिस्टेंस के लिए है ये दूरी है, दूरी की विमा है होती है, तो ये स्क्वायर लगा है तो अंदर ही लगा देता है डायरेक्ट, एक ही तो है, नीचे एम वन तो इसकी विमा है, एम टू उसकी भी विमा है, या डायरेक्ट एम स्क्वायर लिख देते हैं। अब एक एम को एक एम से काट दो, बचा एक एम, तो ऊपर जाएगा वो माइनस वन कर
इस तरह से इसकी विमा निकालने के लिए हमने सूत्र में पक्षांतरण किया बाकी चीजों का, बस इसको अकेला कर लिया, बाकी सबको एक साइड लेंगे मैथमेटिक्स के रूल से, इक्वेशन के रूल से, और विमा ऐसे ही। और एग्जांपल लेते हैं हम प्लांक स्थिरांक, प्लांक नियतांक, कुछ भी कह दो, स्थिरांक नियतांक एक ही बात। प्लांक कांस्टेंट है, इसको स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, जैसे इसको कैपिटल जी है तो कैपिटल से ही करते हैं। अब आप जैसे फोर्स है, बल है, तो यहाँ कैपिटल स्मॉल कोई सा भी यूज कर सकते हैं और यहाँ कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, इसमें नहीं बदलना है। तो ऐसे कुछ भौतिक राशियां हैं उनको उसी से व्यक्त किया जाता है, खासकर जो नियतांक वगैरह होते हैं साइंटिस्ट के सरनेम से बने हैं। तो प्लांक नियतांक मैक्स प्लांक जो साइंटिस्ट है उसके ऑनर में रखा है, उसके सम्मान में है, उसने नियम दिया था तो उसी में निकाला था। तो ये जो है प्लांक नियतांक, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच न्यू। अब ये फॉर्मूला चाहिए, इसमें ये जो है इसको पढ़ते हैं न्यू, पहले आया था न्यू, वो तो था इस तरह से, लेकिन ये न्यू है यहाँ पर, ये V की तरह बनता है थोड़ा सा इस तरह से लेकर थोड़ा सा ऐसे होगा, हल्का सा होगा। ये जो न्यू है ये आवृत्ति को शो करता है और यहाँ की ऊर्जा को शो करता है, एनर्जी जो रेडिएशन होती है, जो तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, जैसे प्रकाश है, रेडियो है, इस तरह की जो विकिरणें हैं उनकी एनर्जी का फॉर्मूला है। अब मैंने कहा था कि एनर्जी कोई सी भी हो, चाहे वो गतिज हो, चाहे स्थितिज हो, यांत्रिक हो, चाहे विकिरण की हो, चाहे ऊष्मा की हो, जो हमने क्यों ली थी, सबके विमा मात्रक से ही होते हैं। आवृत्ति की विमा पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, तो हम H इक्वल टू लिखेंगे E अपॉन न्यू, क्योंकि हमें इसकी डायमेंशन चाहिए, H की विमा चाहिए, तो H की विमा के लिए लिखेंगे ऊर्जा की विमा M L स्क्वायर P की पावर माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, व्हाटएवर द टाइप ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कोई सी भी, एनर्जी का कोई सा भी रूप हो, आवृत्ति की विमा होती है टी इनवर्स, प्रति सेकंड में मेजर करते हैं इसको, समय का व्युत्क्रम है। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन, ऊपर जाएगा जब ये टी तो प्लस वन हो जाएगा, जैसा आप इसको ऐसे लिखोगे टी की पावर प्लस वन, तो इसको फिर इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, चाहे वो डायरेक्ट इसके बाद ये स्टेप ले। तो इस तरह से ये एच की विमा होगी। तो इस तरह से हम कोई भी फॉर्मूले के अंदर कुछ क्वांटिटीज दी होती है उनकी विमा निकाल सकते हैं। इसके बाद में एक फॉर्मूला है पी वी इक्वल टू म्यू आर टी, कुछ राइटर इसको एन से यूज करते हैं, कुछ बुक्स में एक्स भी यूज किया है, ये मोल नंबर है, मोल संख्या है। इसमें आर जो है वो गैस कॉन्स्टेंट है, पी का मतलब है यहाँ दाब, इसको आदर्श गैस का अवस्था समीकरण कहते हैं, ये काफी यूजफुल इक्वेशन है, बाद में जब यूज लेंगे तब बात करेंगे। फिलहाल मैं बता देता हूँ यहाँ पी का मतलब दाब है, वी का मतलब आयतन है, क्योंकि आप लोग सकता है फर्स्ट टाइम में कहा, टी का मतलब ताप, म्यू का मतलब है मोल संख्या, और आर का मतलब है यहां सार्वत्रिक गैस स्थिरांक। तो हमारा टॉपिक यही है कि हमें गैस कॉन्स्टेंट जो है इसकी विमा निकालनी है, हमें निकालनी है गैस स्थिरांक की विमा, गैस कॉन्स्टेंट की डायमेंशन। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं,
ये जो है PV इक्वल टू न्यू आर टी, इसमें आर के अलावा सबको एक साइड ले लेते हैं, जैसे PV है इसके नीचे आ जाएंगे ये न्यू आर टी, ये दोनों अपॉन में आ जाएंगे। तो आर की बीमा के लिए बाकी सबकी बीमा रखनी पड़ेगी, जैसे दाब की बीमा। अब दाब की बीमा डायरेक्ट किया तो ठीक है, नहीं तो एक रफ वर्क करो इसके लिए। P इज इक्वल टू दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल की बीमा N L T माइनस टू और क्षेत्रफल की बीमा L स्क्वायर। L से L कैंसिल हो जाएगा लेकिन एक L नीचे बचेगा, उसकी वजह से L इनवर्स बन जाएगा। ऐसे कहो कि L जब ऊपर जाएगा तो घात माइनस दो होके जाएगा और माइनस दो और प्लस वन तो माइनस वन रह जाएगा। तो आप इसको पहले सेपरेटली सॉल्व करके इसकी डायमेंशन निकाल लो। तो इसकी बीमा आ गई हमारे पास एम एल इनवर्स टी माइनस टू, तो ये दाब की बीमा होगी। अब दूसरा है आयतन, आयतन की बीमा एल क्यू। मैंने कहा था कोई सी भी आकृति लेकर, कोई सा भी सूत्र लेकर आप आयतन की बीमा निकालो एल क्यू बाय टू, क्षेत्रफल में एल स्क्वायर आयतन में एल क्यू। नीचे ये है म्यू, इसकी बीमा होती है मोल, क्योंकि ये तो मूल भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि का सात लिखाई है उनमें से है, तो इसकी डायमेंशन आप डायरेक्ट पढ़ दो। इसके बाद में टी ताप, ये भी मूल भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि की बीमा होती है के, तो इसको सॉल्व करने को हो जाएगा एम, यहाँ एल दो बार है तो एल की घात प्लस तीन और माइनस वन, तो दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस टू, टी की पावर माइनस टू, के को इन्वर्स करके लिख देंगे और मोल को इन्वर्स करके लिख देंगे, मोल इन्वर्स इस तरह से, ये पूरा एक ही शब्द मान, इसको कंप्लीट तो फिर बड़े ब्रैकेट में जरूर लिख देंगे क्योंकि ये विमाओं की पहचान है, इस तरह से लिखते हैं इसका मतलब है विमा है। तो इस तरह से इसमें पांच मूल भौतिक राशि शामिल है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान और मोल। तो मूल भौतिक राशि सात में से पांच मौजूद है इसमें, और उन पर कितनी कितनी घात है, वो किस तरह से इसको प्रभावित कर रहे हैं, वो जानकारी दे रहे हैं कि एम की बजाय एल का इसका प्रभाव जस्ट डबल है क्योंकि इसमें स्क्वायर है। इसका प्रभाव तो है लेकिन ये बटे में जाकर प्रभाव डालेगा क्योंकि घात माइनस में है, तो ये सब बटे में है, तो ऐसे कहेंगे प्रति कैलोरी प्रति मोल, मतलब बटे में कहलाएंगे। वैसे आर का जो मात्रक होता है वो होता है जूल पर केल्विन पर मोल। तो जूल जो है वो ऊर्जा का मात्रक है, कार्य का मात्रक है, तो आप खुद ही देख लो यहां से अंदर कार्य की बीमा लिखी है मैंने। तो ये जो बीमा है ये जूल जिसका मात्रक है उसकी बीमा है, मतलब कार्य या ऊर्जा। केल्विन आया तो प्रति केल्विन प्रति मोल। अब फिजिक्स में देखो कई बार हम ऐसे लिखते हैं, जैसे वेलोसिटी है इसका मात्रक लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, ऑब्लिक करके लिख सकते हैं, इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड सिंबल की फॉर्म में, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस इनवर्स अपॉन में लिखने की वजह, क्योंकि अगर हम इसको ऑब्लिक करके लिखें तो कैसे लिखेंगे। चलो हम इस तरह से लिखें जूल पर केल्विन पर मोल, तब तो ठीक है, दोनों बटे में है क्लियर दिख रहा है, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या जूल पर केल्विन पर मोल दोनों प्रति कहलाएंगे, ऐसे नहीं पढ़ोगे जूल प्रति केल्विन मोल, नहीं जूल प्रति केल्विन फिर मोल अलग से बोलोगे तो गुणा हो गया, तो इसके साथ भी प्रति लगाना पड़ेगा पर मोल लगाना। अगर ऑब्लिक में लिखते हैं तो ऐसे लिखना चाहिए जूल पर केल्विन पर मोल, लेकिन इसका मीनिंग तो कंफ्यूज कर रहा है दो बार, या फिर काम करते हैं ब्रैकेट ले लो नीचे और यहां क्रॉस डॉट
तो उसमें फिर ऑप्टिक करके लिखते हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो आप लोग सबसे रिलायबल सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो ये है। ये तो पहले से चला ही आ रहा है, इसको तो लेना ही है, लेकिन इस तरह से लिखते हैं ये ज्यादा बेस्ट मेथड है। सबको ऊपर ही चलने दो, घात प्लस माइनस करके बस। हालांकि इसमें इसमें कोई फर्क तो ऐसा है नहीं, आप लोग सब उसके तो हैबिचुअल हो ही आप। तो ये हो गई बीमाएं। अभी तक हमने इसमें दो क्लासेस पढ़ी है बीमाओं के लिए, एक मात्रक के लिए बताया था। अभी मुझे कुछ ऐसी भौतिक राशियां भी बतानी है जिनमें बीमा होती ही नहीं है, मतलब बीमाहीन भौतिक राशियां भी होती है। और किसमें बीमा होती है, किस फलन में बीमा नहीं होती है, वो भी जानना है आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बीमाहीन राशियां जिनकी बीमा नहीं होती है। फिर उसके बाद में आ जाएगा बीमाओं का एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, आखिर यूज क्या है फिजिक्स में इसका, बीमाओं का। कई बार तो यूज कह देते हैं हमारे दैनिक जीवन में यूज, तो दैनिक जीवन में तो इसका डायरेक्ट कोई यूज है नहीं, ये तो कैलकुलेशन टाइप की चीजें हैं, इसका यूज है फिजिक्स में। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो हम ऑफ करते हैं, बाय।